पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में ड्रग्स की डिमांड दो गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड में अगर कोई ड्रग्स है तो वो है कोकीन, जिसका ज़्यादातर सेवन रसूखदार और पैसे वाले लोग करते हैं। यह ड्रग्स ज़्यादातर साउथ अमेरिका और कोलंबिया जैसे देशों में हिंदुस्तान में दो रास्तों से पहुँचती है। बड़ी खेप हमेशा समुद्री रास्ते से मुंबई या गोवा पहुँचती है, और छोटी खेप हवाई यात्रा से हिंदुस्तान में पहुँचती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स डिमांड में है वो है MD, जिसका नाम म्याऊं म्याऊं भी है। यह ड्रग्स ज़्यादातर म्यांमार के रास्ते हिंदुस्तान में आती है, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियों में इन ड्रग्स को बनाया जाता है। इसके अलावा गांजा ऐसी ड्रग्स है जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में धड़ल्ले से बिकती है। इस ड्रग्स को हिमाचल प्रदेश के कई शहरों से हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाया जाता है, लेकिन पैसों वालों के बीच में सबसे ज़्यादा डिमांड में साउथ अमेरिकन वीड होती है, जिसको साउथ अमेरिकन गांजा भी बोलते हैं, और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ये सीधा अमेरिका से हिंदुस्तान में कई तरीकों से पहुंचाया जाता है।